Hi guys, welcome to another video. So today I am going to my college and moving out. मुझे सारे लोग एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे बट मैं उसका व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज दैट वॉज वेरी इमोशनल एंड थैंक यू एवरी वन जो मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आया. सो या आई एम ट्रैवलिंग इन दिस फ्लाइट. मेरी 1 बजे की फ़्लाइट थी. सो आई एम गोना गो एंड एट दिस टाइम आई वॉज हैविंग माई लंच एंड मैं वहाँ आपको जाके दिखाऊँगी कि कैसा रहता है हॉस्टल का रूम कैसा है. सो सी यू. यस गाइस, मेरे को विंडो सीट मिली नहीं पाई सो पिक्सल्स फट रहे हैं बट या हम गाइस लैंड कर गए थे. वी वर एट द बैगेज एरिया. सो बेसिकली गाइस मैं और मम्मा ना हमारी फ़्लाइट 1 बजे की थी और पापा की 2 बजे की थी. थोड़ी बीटी हो गई थी उस टाइम पे तो हम पापा का वेट कर रहे थे एंड देन वी फाइनली मेट हिम. तो हम सारा लगेज लेके लिफ्ट के थ्रू ऊपर जा रहे थे पार्किंग में जहाँ हमारी कैब वेट कर रही थी. सो वी वेंट देयर. सो लेट्स गो. सो गाइस आफ्टर 40 मिनट्स आई रीच्ड माय हॉस्टल. ये मेरा हॉस्टल एरिया है और ये बहुत प्रिटी है नीचे वाला एरिया क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ऐसे पार्क बना हुआ है एंड पूरी हद से. गाइस वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट सेकंड फ्लोर पे मिला है जैसे मैंने पहले बताया था ना कि हमें सेकंड फ्लोर पे रूम मिल रहा है तो वो नहीं अवेलेबल था. ऑलरेडी इतने ज़्यादा पेरेंट्स आ चुके हैं तो वो रूम चला गया था. तो हमें फाइनली 4th फ्लोर पे रूम मिला है और ये रूम कुछ ऐसा है. सो यस गाइस, इट इज़ डे 1 ऑफ कॉलेज एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो गाइस बेसिकली हम 3 लोग एक रूम में रहते हैं तो मैं फटाफट से बोलती हूँ. मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं है लोगों के सामने ना बोलने की. सो इट्स लाइक कि प्राइवेट स्पेस से मैं अपनी निकली हूँ, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आई हूँ. सो थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी. सो इट्स माई फर्स्ट डे एट मेडिकल कॉलेज तो आई एम गोना फिल्म जितना मेरे से हो पाएगा. सो लेट्स गो. गाइस मेस का खाना खाने लायक ही है. गाइस हम कॉलेज जा रहे हैं. ब्रो हम दुनिया के सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं सिर्फ लेट और सबसे ज्यादा क्योटिक चुल वाले इंसान हैं जो कभी भी रेडी हो सकते टाइम पे. बाकी चेक कर लो तो दिखा प्यारा आउटफिट पहना बढ़िया लग रहा है ऑनेस्टली. सो लेट्स गो. हमें तो पहले गाइस बिल्डिंग ही नहीं मिली बट कैसे कैसे करके हम कॉलेज लेक्चर हॉल 1 पहुँचे. सो गया गाइस हमारी ओरिएंटेशन शुरू होने वाली है. 10 बजे का टाइम बोल के 1 बजे शुरू कर दो. इग्नोर कर दो मेरी बकवास जो मैं बोल रही हूँ. फर्स्ट डे बीटी. तो गाइस पहले दिन हमें ऐसे डिपार्टमेंट्स में लेके गए. फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं गाइस, मतलब चौथा अभी ऐड हुआ है. तो हर एक डिपार्टमेंट में लेके गए हमें गाइस. आज सिर्फ ओरिएंटेशन थी, हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लेके गए हैं. फोकस नहीं हो रहा है. 1 मिनट अब हो गया. बहुत ऐसा सुंदर सा पाथवे है. ये मेरी थकी मरी सी फ्रेंड बस यही करती रहती. ले लिया अब तो मैंने. गोल गोल घूम रही है लिटरली. तो हम लोग अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं जो कि थोड़ा दूर है. सो आज हमारा फर्स्ट डे और आज हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं. हम चल चल के थक चुके हैं. मतलब भाई कोई इंसान इतना कैसे चल सकता है. ऊपर से मैंने फैशन के लिए वाली जूते डाल लिए बट मैं रिग्रेट कर रही हूँ. मेडिकल स्कूल में फैशन नहीं करना चाहिए. कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे. आप थक जाओगे. 1 हफ्ते बाद तक फैशन चल रहा है. उसके बाद फिर आप वही पजामे पहन के जाने वाले हो. कम्फर्ट एंड एवरीथिंग. और अभी मैं ऑल द वे अपने हॉस्टल तक चल के जा रही हूँ. और मैंने सोच रहा था कि मुझे कोई ऑटो वाला मिल जाएगा बट कोई नहीं मिला. भैया अरे पागल हो रहे सामने भैया भैया. फर्स्ट टाइम गेटिंग एन ऑटो गाइस. ऑटो इन यूनिवर्सिटी यही करेंगे हम. हमारा इतना पास है. हम चल चल के थक चुके थे तो हमने फिर ऑटो किया. तो बस गाइस फिर हम हॉस्टल रूम में आए. हम बहुत ज़्यादा थक गए थे. थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज किया एंड देन डिनर का टाइम हो गया पता ही नहीं चला. सो वी हैड दिस डिनर. सो गाइस एंडिंग माय फर्स्ट डे टुडे. हम लोग वहाँ बैठे थे
ऐसे पूरा झुंड बना के तब मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि ऑफ कोर्स सारे ऐसे बातें बातें कर रहे थे वी वर गेटिंग टू नो ईच अदर। और मैं यहाँ पे ऐसे के लिए वॉक कर रही हूँ, दिस इज़ माय रूम की चाबी, मेरी अलमीरा की चाबी। सो या दिस इज़ माई हॉस्टल और बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ पर, रात को मज़ा आता है। पहला दिन है क्या पता इसलिए मज़ा आ रहा हूँ, बट या तो गाइज इट्स डे टू एंड दिस इज़ माई आउटफिट जो मैं आगे बदल चुकी हूँ क्योंकि मुझे ये ऐसी सा लगा। तो लेट्स मेक बेड। सो द गर्ल हु नेवर मेड हर बेड, ना उसको ना चादर लगानी आती ना कुछ, आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, अडल्टिंग प्रो मैक्स। फिर गाइज हम ब्रेकफास्ट करने गए, वी गॉट ब्रेड, वाटरमेलन एंड सम दलिया, इट वॉज नाइस। गाइज यहाँ पे सेकेंड डे में इतना बारिश हो गई है एंड वी डोंट हैव एनी अम्ब्रेला। वी हैव अम्ब्रेला, ये क्या मतलब गाइज, देखो भाई एक ही अम्ब्रेला। ऑटो का वेट कर रहे हैं गाइज। हाँ गाइज ऑटो का वेट कर रहे हैं। तो हम कॉलेज पहुँच गए हैं पूरा गीला गाला होके, वेटिंग फॉर द लेक्चर हॉल टू ओपन एंड देन वी गो इन साइड, लेट्स गो। तो बेसिकली गाइज आज डिटेलिंग ही थी, व्हाट इज़ ईआरपी एंड स्टफ हमें बता रहे थे। सो या जी गाइज सेकंड डे और हमारा ओरिएंटेशन खत्म हो गया। नाउ गाइज वी गोना गो फॉर द टूर ऑफ द हॉस्पिटल बिल्डिंग। गाइज हॉस्पिटल वॉज एक्चुअली वेरी नाइस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ था। लाइक मैं ऐसे ब्रैग नहीं कर रही बट इट्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड उस हिसाब से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी नाइस। गाइज हम गए थे सिमुलेशन लैब, मैं बताती हूँ। तो बेसिकली सिमुलेशन लैब क्या होता है, जैसे आपको ना ऐसे मैनिक्विन्स पे वर्क करना सिखाएंगे हर एक, चाहे जैसे डिलीवरी कैसे होती है नॉर्मल, या फ्रैक्चर्स कैसे इंसर्ट होते हैं, या कुछ भी है, ताकि जब आप ओरिजिनल पेशेंट्स पे करो सो कोई भी गलती का स्कोप रहे ना। यू कैन प्रैक्टिस हियर मल्टीपल टाइम्स, आपकी क्लासेस लगती हैं यहाँ पे और ऐसे वर्चुअल पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये जो पूरे मैनिक्विन्स हैं वो एक्चुअली में एक ह्यूमन की तरह उनकी पल्स है उसको ऐसे बना रखा है। सो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव कि मतलब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इससे, ताकि पेशेंट्स पे आपका कुछ गलत ना हो जाए। एंड देन गाइज वी वेंट टू द सेंट्रल लाइब्रेरी, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉलेज। बेसिकली ये लाइब्रेरी एकदम 7-स्टार होटल जैसी लगती है, मुझे तो ये जगह बहुत ही पसंद है। मैं आगे व्लॉग्स बनाऊँगी यहाँ पे पढ़ने के। ड्यूरिंग एग्जाम्स ऐसा बोला है दैट ये लाइब्रेरी 24/7 खुली रहती है। सो लेट्स सी, देखो पूरा इसका फर्नीचर इंटीरियर इज़ जस्ट सो नाइस एंड यहाँ से आप इस जगह से बुक्स रेंट कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स भी प्रोवाइड करे जा सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव एनी आईपैड्स। एंड देन आई वेंट टू द वॉशरूम एंड दिस इज माय फिट चेक। सो वी सैट इन द बंकी, इनको बता बंकी होता है क्या होता है वो, बस सैट हियर बिकॉज़ यू आर सो टायर्ड एंड आई एम गोइंग फॉर द लंच। मेरी सारी बोलने की कमी है पूरी कर देती है। सो गाइस यू हैव गॉट अनदर गर्ल हु स्पीक्स मोर देन भव्या, ओके। फिर गाइस वी वेंट टू द मेस टू हैव आवर लंच और ये काफी अच्छा खाना था। मतलब जैसे बोला जाता है मेस का खाना बेकार है, तो ऐसा नहीं है। डे टू ओवर हो गया गाइस, हमारा एक क्लास था मेरे साथ का होगा गाइस वो खत्म हो गया, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू द स्टार्ट टू द स्कूल फर्स्ट टाइम मैं बता दूं ऑटो से जा रहा हूं। सो गाइस डेट अप।
गाइस वी आर बैक इन द हॉस्टल ऑटो से हॉस्टल कह रही हूँ ऑटो वाले ने 30 रुपए लिए हमसे उसने हमसे और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है सो वी आर गोना गो अपने हॉस्टल रूम्स में हाँ बस बस सो गाइस हो गई चालू बाय गाइस सी यू गाइस अभी हम हॉस्टल रूम में आए हैं थोड़ी देर से लेट है क्योंकि सुबह से हम बस टूर ही करे जा रहे हैं इसके बाद वी आर गोना गो टू समीर यहाँ की फेमस स्टेशनरी शॉप वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लाना है क्योंकि मंडे से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होने वाली हैं और वेरी सून आई एम गोना अपलोड माय रूम ट्रांसफॉर्मेशन ये भक्ती है बहुत बोलती है ये लड़की कभी ढंग से चैन से एक ब्लॉग नहीं बनाने देती है मुझे एनीवेज गाइस सी यू एक्चुअली गाइस मैं अभी अपना ब्लॉग एडिट ही कर रही थी तो जैसे हम ना आए हॉस्टल एंड देन वी स्लेप्ट क्योंकि इतनी नींद आ रही थी और हमें पता नहीं चला कब 5 बज गए तो मेरी रूममेट की मम्मी आई एंड देन शी गेव अस सम स्टफ जो मतलब रिक्वायर्ड है एंड देन फिर हम लोग हमें जाना तो था यहाँ पे पास की स्टेशनरी शॉप है विच इज़ समीर बट हम नहीं जा पाए तो फिर हमने मंगवा लिया उनसे सामान सारा डाइसेक्शन किट ग्लव्स अम्ब्रेला मेरे पास आज अम्ब्रेला था नहीं जैसे आज आपने देखा तो मैंने सारा सामान मंगवा लिया एंड देन बस थक गए अब मेस जाएंगे और खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे सो एंडिंग माई व्लॉग अभी मैं मेस के तो फिर डालूंगी तो क्या सो थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग स्टे ट्यून्ड तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरा स्टडी टेबल है अभी दोनों ही जने जो यहाँ रहते हैं वो नहीं है सो इट्स अ गुड पार्ट कि मैं ब्लॉग कर लूँ अभी मैंने कुछ भी ढंग से ना डेकोरेट नहीं करा है बस ये लगाया है और ये मेरा बेडशीट ऐसे क्रम्बल सी भी है इग्नोर दैट ये मेरा थोड़ा है अभी यहाँ पे मैं चीज़ें चेंज करूँगी क्योंकि ये बहुत थोड़ी डर्टी सी हो रही है तो मैं इस पर अच्छा सा कुछ डेकोरेट करूँगी ये मेरा ऐसे स्टडी टेबल है ये मेरा डोर जो मैं वहाँ लेके जाती हूँ ये भी एरिया आई हैव टू ऑर्गेनाइज यहाँ पे बहुत ऐसा ना सामान बस रखा हुआ है आई नीड टू जस्ट प्लेस इट ढंग से तो मैं एक साथ ही आपको बढ़िया सा रूम टूर दूंगी जब सब हो जाएगा जब मैं अच्छे से सेटल हो जाऊँगी अभी तो सेकेंड डे है ना और ये मेरी अलमीरा है अलमीरा सेटल्ड है मेरी मम्मी करके चली गई थी मैं वो आपको दिखा सकती हूँ तो दिस इज़ माई कबर्ड ये सारी जीन्स हैं मेरी ये जो कॉलेज पहनने वाले टॉप्स हैं ये नाइट सूट्स हैं ये पजामाज हैं ये मेरी मेकअप किट है स्किन केयर और ये थोड़ा बहुत खाने पीने का गाइस कपड़े धोने का और ये मेरा वो है बाल सेट वगैरह करने का कॉफ़ी फिल्स ऑल मै स्टूडेंट्स नीड कॉफ़ी एंड ठीक है सॉरी सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो अच्छे से रूम टूर दूंगी जब मेरा हो जाएगा वैसे आप देख लो अभी तो ऐसी है बिखरा सा और या सी यू